हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपने एक डिस्कस करने वाले हैं, एक और नई नर्सिंग की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है वो आपको काफ़ी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी हैं देख पा रहे होंगे कि एम्स भोपाल की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये एक तरह से डायरेक्ट वैकेंसी है और रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी है नोरसेट के अलावा वैकेंसी है, यानी कि जो भी पोस्ट है वो नोरसेट के अंदर है वो इंक्लूड है वो नहीं है। तो इसी वैकेंसी की अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए वीडियो को कंप्लीट है वो जरूर देखें। एवं चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आपको मिलती रहती है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी, ऑटोनोमस बॉडी वैकेंसी, चाहे वो रेगुलर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, या फिर CHO हो, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, संविदा, सभी प्रकार की जो वैकेंसियाँ हैं वो इस चैनल के ऊपर है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपके लिए है ये चैनल है काफ़ी यूजफुल है वो साबित हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आज की इस वैकेंसी की है वो इन्फॉर्मेशन है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भोपाल की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन है वो 6 मई से इसके फॉर्म हैं वो ऑलरेडी हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर नर्स पोस्ट फॉर CDC फंडेड प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी है वो करवाई जा रही है, CDC फंडेड है वो होगा। और जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टू डिटेक्ट द प्रिवेंट एंड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया, यानी कि जो भी एक प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है जूनियर नर्स की है वो पोस्ट है वो रहने वाली है, ठीक है। और जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी 18,000 रुपये पर मंथ है वो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट पे है ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको अगर आप ANM कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, GNM कैंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग भी। नेक्स्ट जो कि टर्म एंड कंडीशन है ANM GNM के साथ में वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ANM का कोर्स अगर आपने कर रखा है, ANM पास आउट है, तो उसके साथ में NABH हॉस्पिटल का आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो चाहिए, यानी कि ANM प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस NABH हॉस्पिटल है का एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं GNM के साथ में आपको चाहिए GNM प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। और अगर आप BSc नर्सिंग है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की है वो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन ये क्या डिजायरेबल है वो रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोट एक्सिस्ड 28 ईयर्स, ठीक है, यानी कि जो एज है वो 28 ईयर तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं मे डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एम्स भोपाल वेबसाइट। एम्स भोपाल की वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, और फॉर्म है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से भी आप हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो PDF है वो आपको डाउनलोड करके है वो फिल करना है, उसके साथ में जो एक लिंक है वो आपको देखने को मिलेगा, इस लिंक पे जाके है गूगल फॉर्म को है वो अटैच्ड है वो करना है, अपलोड है वो करना है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको कम्प्लीटली है वो फिल करना है, और ओनली स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम एम्स भोपाल वेबसाइट फिल्ड विल बी एक्सेप्टेड, यानी जो भी आपको फॉर्म है वो उसको स्कैन करके है वो आपको फिल करना है, ठीक है। या फिल करके है वो स्कैन कॉपी है वो आपको अटैच करनी है। फिल्ड एप्लीकेशन शुड बी अपलोड ऑन थ्रू द गूगल वेबसाइट, यानी कि जो भी है जो गूगल वेबसाइट है गूगल लिंक है उसके ऊपर है वो आपको जाके ये फॉर्म है वो अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड स्कैंड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो फॉर्म है वो आपका क्या है साइंड होना चाहिए, ड्यूली सिग्नेचर है वो अटेस्टेड है वो होना चाहिए, और एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर है वो नॉट एक्सेप्टेड है, यानी कि अगर आपने सिग्नेचर है वो नहीं अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म है वो कैंसिल है वो हो जाएगा। कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी, आपको सबको है वो एलिजिबिलिटी है वो अपनी चेक करनी है, उसके बाद है वो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को है वो एग्जाम के लिए है वो रिटर्न टेस्ट के लिए है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो आपको 13 जून तक है वो एम्स भोपाल की वेबसाइट पे है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद
वन फोटोग्राफ एंड आईडी प्रूफ इज मस्ट एंटर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी वन हार्ड कॉपी और एक फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ के साथ में है आपका एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर है वो एंट्री है वो मिलेगी। एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल टू स्टेज, तो जो भी कैंडिडेट हैं इनएलिजिबल हैं वो रिटर्न टेस्ट के लिए हैं वो नहीं बुलाए जाएंगे। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल का जो लगभग पीरियड है वो लगभग 1 ईयर्स तक का है वो रखा गया। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग है वो, यानी कि लास्ट डेट है वो रखी गई है आपकी 31 मई तक है वो अपना आप फॉर्म है वो सबमिट है वो कर सकते हैं, ठीक है 31 मई तक इसकी जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नेम ऑफ कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्ड है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है आपको, साथ में इधर फोटो है वो भी है वो अटैच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस है वो आपको फिलअप करनी है, एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है, एंड आई अर्ली डिक्लेयर दैट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मी बी करेक्ट माई नॉलेज ऑन भी है जो भी, ठीक है। डेट है, प्लेस है वो आपको, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है वो करके आपको फॉर्म को है जो गूगल लिंक है उस पर जाके आपको फॉर्म है वो अपलोड करना है। तो ये इसका जो बेसिक प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरी है वो सॉल्व है वो की जाएगी, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। एम वीडियो एम नोटिफिकेशन है वो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक बार सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके थैंक यू गाइज़।